हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड, कमजोर लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रच देते हैं। वीक पीपल फॉल अपार्ट बाय स्टम्बलिंग, बट दोज हु ट्राई मेक हिस्ट्री बाय स्टम्बलिंग। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? Which agency has recently revealed that there have been no progress in nuclear talks with Iran? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? इंडिया, मालदीव एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 15th एडिशन ऑफ द बाइनियल ट्रिलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती इन मालदीव्स। ऑप्शन है नेपाल, चीन, श्रीलंका, रूस। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विपक्षीय त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस असमी पोएट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69। ऑप्शन है सनन तांती, माधव कंदली, नलिनी धर भट्टाचार्य, हमन तांती। इसका राइट आंसर है सनन तांती। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता सनन तांती प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द वेयरिंग एंड सेल ऑफ लेदर कोट्स बाय द जनरल पब्लिक? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, भारत, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू रिपील द 3 कैपिटल बिल? ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फॉर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति हुए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू रिसीव द ट्रेड पॉलिसी फॉर्म आफ्टर 4 ईयर्स? ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान। इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फॉर्म को पुनः जीवित करने के अलावा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेदों को हल करने के
तरीकों को खोजने के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? Which trains have been announced by the Union Railway Ministry Ashwani Vaishnav to see the culture heritage of the country? ऑप्शन है नमन मिलन ट्रेन, अखिल गौरव ट्रेन, भारत मिलन ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। इसका राइट आंसर है भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को नई सौगात दी है। भारतीय रेल यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड है, भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? Which of the following states has been awarded the country's best maritime state award? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ पाताल पानी रेलवे स्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है टाटिया मामा, हजरत महल, वाजिद अली शाह, अहिल्याबाई होलकर। इसका राइट आंसर है टाटिया मामा। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान। ऑप्शन है संजय अग्निहोत्री, बी एस मुबारक, मोहन मुबारक, अनिल सचदेवा। इसका राइट आंसर है बी एस मुबारक। बी एस मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय पाकिस्तान एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू द यूएस। ऑप्शन है मोहम्मद सादिक, जमीर काबुलोव, मसूद खान, अमन खान। इसका राइट आंसर है मसूद खान। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत मसूद खान को नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है? विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम रिसेंटली? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? अकॉर्डिंग टू ए नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF, विच स्टेट्स पुलिस हैज स्कोर्ड द लोवेस्ट अमंग ऑल स्टेट्स? ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, कर्नाटक और असम, केरल और तेलंगाना। इसका राइट आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया, जिन्हें
संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षा परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है? The State Level Environment Impact Assessment Committee in Uttar Pradesh has given environment clearance for the construction of which ambitious project of the Uttar Pradesh government? Option A, Bundelkhand Expressway, Yamuna Expressway, Ganga Expressway, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गंगा Expressway। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विच INS हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? ऑप्शन है INS इम्फाल, INS कोलकाता, INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है INS विशाखापट्टनम। हाल ही में INS विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।